हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच हेल्थ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि नो सिग्नल प्रॉब्लम क्यों हो जाता है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं नो सिग्नल प्रॉब्लम क्यों हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लोग उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं मेरा MPG2 रिसीवर लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं, और ये मेरा TV। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि नो सिग्नल प्रॉब्लम क्यों हो जाता है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा नो सिग्नल प्रॉब्लम आ गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस केबल जो है ये वाला एल्टीना वाला वायर वो लगा हुआ है, देख सकते हैं, जो कि एल्टीने की तरफ से आया हुआ है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे नो सिग्नल प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, नो सिग्नल प्रॉब्लम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि छतरी हिल जाता है, तेपर भी नो सिग्नल हो जाता है, सेटअप बॉक्स में खराबी हो जाता है, तेपर भी नो सिग्नल लिखता है, और ये सेटिंग में भी छेड़छाड़ हो जाता है तो नो सिग्नल हो जाता है, और LN भी ख़राब भी हो जाता है, तेपर भी नो सिग्नल लिखता है, और वायर भी कट जाता है तो नो सिग्नल लिखता है। लेकिन एक बात बता दूँ, जब भी आप यहाँ पे चेक कीजिए तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला लाइन जो वाइट दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ तक रहेगा, तो आप समझ जाइए कि मेरा ये वायर ख़राब नहीं है और मेरा LN भी ख़राब नहीं है। ये दोस्तों, ये क्यों बताता है ऊपर वाला, जो कि LNB से आपका वायर और सेटअप बॉक्स दोनों कनेक्ट हो जाता है, तभी ये ऊपर वाला लाइन दिखाता है। इस बात को ध्यान में रखें, जब भी आप डिस्क को सेट करें तो पहले ये ऊपर वाला लाइन अवश्य देख लें कि ये कहीं LNB तो ख़राब नहीं है। LNB ख़राब हो जाता है, तेपर भी ये लाइन कम हो जाता है, और आपका वायर भी कट जाएगा, तेपर भी ये परसेंटेज जो 87% दिखा रहा है ये भी कट जाएगा, वहाँ पे 00 दिखाने लग जाएगा दोनों में। तो आप समझ जाइए कि ये मेरा प्रॉब्लम वायर से हुआ है या LNB ख़राब हुआ है। दोनों चेक कर लीजिए, वायर चेक कर लीजिए या LNB चेक कर लीजिए, ये दोनों 00 जब दिखाएगा तभी आप समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए आपको नो सिग्नल प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मेनू बटन कर देना है प्रेस, मेनू बटन करना है प्रेस, और उसके बाद आना है प्रोग्राम सेटअप, और प्रोग्राम सेटअप पे आना के बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्रोग्राम पे आना है, और यहाँ पे डालना है 0 51 50 हो गया, फिर इसमें डालना है 0, देख सकते हैं 51 50। दोस्तों, ये लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। इसमें डालना है 0 34 30, देख सकते हैं 34 30, और इसमें डालना है 29 500, देख सकते हैं। इतना करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिर से देख लीजिए, LN फ्रिक्वेंसी 0 51 50, लो फ्रिक्वेंसी 0 51 50, और ट्रांसफोंडर फ्रिक्वेंसी 0 34 30, सेम्बोल रेट 29 500, प्लोटी भी ऊपर वाला 34 38 हो गया है। दोस्तों, इसको 34 30 करना है, देख सकते हैं यहाँ पे 34 30 हो गया है, 34 30। जैसे ही हम इतना करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल आपको दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं इतना करने के बाद यहाँ पे सिग्नल 53% दिखाने लग गया। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये मेरा प्रॉब्लम छतरी से नहीं है, ये दोस्तों सेटअप बॉक्स से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, LN फ्रिक्वेंसी 0 51 50, लो फ्रिक्वेंसी 0 51 50, सेम ट्रांसफोंडर फ्रिक्वेंसी 0 34 30 ही डालना है, और सेम्बल रेट 29 500, फ्लोटी भी 22 के ऑफी रहेगा, डिस्क्यूसी 1 रहेगा, मॉड ऑल रहेगा। इतना करने के बाद आप समझ जाइए कि छतरी से प्रॉब्लम नहीं है, छतरी को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, और यहाँ पे आप बैक कीजिए, और यहाँ पे एक बार और बैक कीजिए, और यहाँ पे आइए और डिलीट कर दीजिए, फिर रेडियो चैनल को भी कर दीजिए ऐसे ही डिलीट। ये दोस्तों डिलीट क्यों करवा रहा हूँ मालूम है, क्योंकि डबल चैनल हो जाता है ना, इसलिए
बार बार हम यही डिलीट करवा देता हूँ क्योंकि डबल ना है। उसके बाद फिर प्रोग्राम सेटअप पे आना है, ओके बटन प्रेस करने के बाद ऑटो स्क्रीन पे ओके बटन कर दीजिए प्रेस। कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा इंतज़ार करना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये 100% हो जाएगा तो सभी चैनल आ जाएंगे। तो एक मिनट इंतज़ार कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना चैनल डीडी फ्री डिश में आपको देखने को मिल रहा है। लाइफ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये जो आपके सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम होगा ऐसा, तो आप मिनटों में ठीक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बंदे गुजराती वाला चैनल आ गया है और ये दोस्तों 45% चल गया है। जैसे ही 100% होगा सभी चैनल आ जाएंगे आपके डीडी फ्री डिश में। तो देखते रहिए, यहाँ पे आपको दिखाता रहता हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल पे कई प्रकार के नो सिग्नल वाले प्रॉब्लम के बारे में वीडियो बहुत सारा है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 64 चैनल आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही करके आप भी अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन कर सकते हैं और नो सिग्नल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। 85% चला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे टीपी भी 9 TP आपको देखने को मिल रहा है, 10 हो गया, 156 चैनल आ गया है, 156 ही है डीडी फ्री डिश में। चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी चैनल चलने लगा, नो सिग्नल प्रॉब्लम हॉल हो चुका है। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारियाँ मिल चुकी है। तो लाइक कर दे, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।